नमस्ते सबको, मैंने अपना वोट डाल दिया है और मैं आप सबको, हमारे सब जो मथा के वोटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, मैं सबको एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ। काइंडली ये जो मेरा संदेश है, ये जो मेरा मैसेज है हमारे वोटर्स को, कहीं में भी हो त्रिपुरा में, आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। प्लीज़ मेरा मैसेज ध्यान से सुनिए। ये मैसेज, मेरा जो संदेश है हमारे पूरे वोटर्स को, हमारे पूरे वॉरियर्स को, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। बहुत जगह से खबर आ रही है कि वोटिंग स्लो है, क्योंकि मशीन में बहुत जगह में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं डरता हूं कि अगर हमारे लोग वापस चले गए अपने घर में और उन्होंने वोट नहीं किया, तो बाद में आपको फिर से चांस नहीं मिलेगा। अगर हम अपने लाइन में खड़े रहे तो कोई भी हमें नहीं बोल सकता है कि घर वापस जाओ। अगर आप लोग अभी वोटिंग नहीं करके घर चले गए तो नुकसान हम सबका होगा। सो प्लीज़, मैं आप सबको विनती करता हूँ, आप लाइन में खड़े रहिए। मेरे टिपरा मथा के वॉरियर्स जिन्होंने पहले से वोट किया है, प्लीज़ जाकर जो लोग लाइन में खड़े हैं उनको पानी दीजिए, थोड़ा सा जूस दीजिए, थोड़ा सा बिस्किट दीजिए, लेकिन आपको अपना वोट 100% करना पड़ेगा। अगर आपने आज वोट नहीं किया और आप वापस घर चले गए तो शायद आपको चांस नहीं मिलेगा वोट करने के लिए। और बहुत लोग चाहते हैं कि टिपरा मथा का वोटर्स वॉरियर्स थक के घर चले जाए और टिपरा मथा को वोटिंग नहीं करें। मैं जानता हूं कि ये किसी का प्लानिंग भी हो सकता है, इसी के लिए बुबागरा आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लाइन में खड़े रहिए, घर वापस मत जाइए, पहले जाकर वोट कीजिए। और मैं अपने वॉरियर्स को, जो YTF है, बुरी बदौल है मथा को, जिसने वोट दे दिया है, आप वापस बाहर निकलिए और सबको ये बात समझाइए कि उनको वोटिंग करना है, घर जाने से नुकसान हमारा होगा। आप लोग हमारे जो वोटर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जूस, थोड़ा सा बिस्किट रखिए कि वो लोग थके नहीं। और मैं फिर से अपने बुकिंग बारह लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डरिए मत, आप लाइन में हैं, आपको कोई वापस नहीं भेज सकता है। लेकिन अगर बिना वोट करके आप घर वापस चले गए तो बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा। ये हमारा लास्ट चांस है। प्लीज़ इस बार आप थोड़ा सा कष्ट करके लाइन में रहिए, ये बुबागरा आपको रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़। और वॉरियर्स TWF मथा, प्लीज़ बुरोई बदल, बुमा बदल, प्लीज़ उनको समझाइए और हमारे लोगों को थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जूस, थोड़ा सा बिस्किट दीजिए। मैं आप सबको पूरे त्रिपुरा में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर वोट डिसाइड करेगा हमारा भविष्य में क्या होने वाला है। आई लव यू, प्लीज़ मेरा मैसेज को सीरियसली लीजिए और प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें इमीडिएटली, अभी जल्द से जल्द कायम होकर आप लोग एक दूसरे को मदद कीजिए। बेलाइनो हम बाय खुलूंगा।